बीमार हो सकूं। हुजूर बड़े बीमार हो गए थे, एक हद हजरत मौला अली के कंधे पे, एक हजरत फजल बिन अब्बास के कंधे पे मेरे आका ने हाथ रखा थे, ते हुजूर दुआ दा आसरा लेकर ते मस्जिद नबवी के अंदर आए, ते मेरे आका ने हजरत बिलाल हबशी नु फरमाया कि बिलाल जाओ मदीने दी गलियां दे विच मनाजी कर दो के सारे सहाबा आ जाओ, कमरी वाले तुहाडे नाल गल करना चाहंदे ने, हुजूर तुहानू खुतबा इरशाद फरमाना चाहंदे ने। हजरत बिलाल फरमाने मैं मदीने दी गलियां च गया ते सारे सहाबा नु इकट्ठा करके मस्जिद दे विच लाए आंदा, ते मेरे आका ने खुतबा इरशाद फरमाया, ते मेरे आका ने एदा ने फरमाया कि इस इंसान कोई हक रहंदा मेरे मैं मोहम्मद कोलो अपना हक लै लो। एक बंदा खड़ा होया ते अर्ज कीती, या रसूल अल्लाह मेरे दिन दिरम रहंदा ने, तो मेनू दे दियो। मेरे आका ने फजल बिन अब्बास ने फरमाया कि इहदे तीन दिरम मेनू दे दियो। फजल बिन अब्बास ने दिरम दित्ते ना, ते एक होर सहाबी खड़े होए जिहड़ा नाम हजरत आकाशा भी, आप खड़े होए अर्ज कीती, या रसूल अल्लाह इक मेरा भी हक है दे। मेरे आका ने फरमाया दसो की हक है, ते कहन लगा हुजूर जंगे तबूक दे विच इक थोड़ा तुसा मेनू मारिया ते अज मैं अपना बदला लैण आया हां। हला मेरे आका बीमार, हुजूर ने जब एक गल सुनी ना, तो मेरे आका ने हजरत सुलेमान फारसी को फरमाया कि जाओ मेरी बेटी के घर को घोड़ा मौजूद है, जाओ घोड़ा लेके आओ। ते हजरत सुलेमान फारसी चलते चलते सैयदा दारा पाक के खड़े आए, आके कह लगे या सैयदा कमली वाले ने फरमाया घोड़ा दे दियो। हजरत सैयदा दारा पाक ने घोड़ा दिता, घोड़ा दे गया, फरमान लगिया सुलेमान दस घोड़ा की करना वे, अज घोड़े की की जरूरत है। सुलेमान फारसी अर्ज करते ने या सैयदा अज आकाशा कहते मैं कमली वाले को बदला लेना वे। सैयदा दारा पाक दिया अखा चो आंसू आ गए, रो के फरमान लगिया सुलेमान आकाशा कमली वाले का चेहरा देख के सर वाले को
ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲਮ ਤਰਾ ਕਬਲਹੁ ਵਲਾ ਬਾਦਹੁ ਮਿਸਲਹੁ। ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੇਖਿਆ ਇੰਨਾ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਪਾਕ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਵਮਾ ਅਲੈਕ ਮੁਬੀਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਹੁ ਜ਼ਿਦ ਫਜ਼ਿਦ ਫਜ਼ਿਦ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਸੋਹਰੇ ਬਿਆਨ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਾਬੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹਤਾਜ਼ ਕਮਰ ਸਿਆਦ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਫਸਾਰੇ ਛਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੁਲੂਬ ਹਾਲ ਨੂੰ ਮਨਵਰ ਫਰਮਾਰੇ ਸਨਾਰੇ ਸਨ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੋਜ਼ੇ।